शिवराज सिंह चौहान ने लाइव मीटिंग के दौरान किया वीडियो लॉन्च। पर्यटन गीत महाराम मंसूर में धा को अभिनंदन है, वीडियो किया लॉन्च। संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमा चुके आशीष मराठा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनुकरणीय पहल। देश के ग्रामीण व शहरी इलाकों में छिपी प्रतिभा को अगर मौका मिले तो वह भी विश्व पटल पर अपना हुनर बखूबी बना सकते हैं। जरूरत है ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने की। ऐसी ही प्रतिभा है मध्य प्रदेश के मंदसौर की। यह है मंदसौर के आशीष मराठा, जो कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने हुनर और काबिलियत के दम पर संगीत में एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मंदसौर जिला प्रशासन के द्वारा जिले के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए शानदार गीत तैयार किया गया, जो कि गायककार आशीष मराठा एवं उनकी टीम द्वारा इस गीत की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद इस गीत को लोगों के बीच में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस गीत की तारीफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी की गई, जिनके द्वारा इस गीत को लॉन्च किया गया था। मंदसौर का गौरव जिले की शान, सिंगिंग में अलग पहचान बनाने वाले आशीष मराठा सिंगिंग के साथ एक बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं और साथ ही सारी एल्बम बना चुके हैं एवं अपने गीत में कई सारे अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर उनको राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज आशीष मराठा अपनी आवाज़ के जादू से कई बड़े बड़े प्रोग्रामों में अपने दर्शकों का दिल जीत रहे हैं और साथ ही एक अच्छे संगीत गुरु भी हैं, जो कि मंदसौर शहर में कई प्रतिभाओं को अपनी संगीत अकादमी में संगीत सिखा कर निखारने का काम भी कर रहे हैं। मालवा के मंदसौर की चित्रमय रंगीन और सुरीली तस्वीर आकर्षण के साथ प्रस्तुत हुई और मंदसौर दर्शन केंद्रीय पर्यटन गीत का वीडियो वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से किया। महाराम मंदसौर में था को अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, यह आमंत्रण है देश दुनिया के पर्यटकों के लिए। सुरुचिपूर्ण ढंग से संपूर्णता के तौर पर मंदसौर दर्शन पर्यटन गीत में जिले के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और अन्य प्रमुख विशेषताओं को जोड़ा गया है। मंदसौर जिला प्रशासन के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनुकरणीय पहल में आशीष मराठा और टीम के द्वारा बनाया गया बहुत ही चर्चित गीत महाराम मंदसौर में था को अभिनंदन है रिलीज हुआ, जिसको दर्शकों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मंदसौर के बेटे आशीष मराठा को हमारे तरफ से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। वहीं सिंगिंग के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी अपने देश और जिले के नाम रोशन करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष मराठा मंदसौर मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में मंदसौर जिले के पर्यटन के लिए बड़ा ही खूबसूरत सा गीत लॉन्च हुआ है सोशल मीडिया पर, जो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आप सभी को बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे मंदसौर जिले के आदरणीय कलेक्टर महोदय मनोज जी पुष्प सर, जिला पंचायत CEO आदरणीय ऋषभ जी गुप्ता सर, नोडल अधिकारी आदरणीय JK जैन सर,
जिन सभी के मार्गदर्शन में इतना खूबसूरत सा गीत बन पाया, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का। और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी पूरी टीम, लाल बहादुर जी श्रीवास्तव सर, जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत इस गीत को लिखा है, इस गीत को बोल दिए हैं बड़े ही खूबसूरत, और साथ ही लिरिसिस्ट, एडिशनल लिरिसिस्ट लोकेश जी मराठा, मेरे बड़े भाई। और इस गीत का जो बड़ा ही खूबसूरत सा संगीत दिया है मैंने और मेरे मित्र आदर्श जी प्रजापति ने, जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत इसका संगीत भी है, और इस गीत को मैंने अपनी आवाज़ दी है और कंपोज़ किया है। साथ ही इसका जो खूबसूरत सा वीडियो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये नितिन जी शर्मा ने किया है, तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मंदसौर जिला प्रशासन को, जिन्होंने हमारी पूरी टीम को चुना इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये पर्यटन का जो गीत है, पूरी उम्मीद करते हैं हम कि इस गीत को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदसौर के बारे में जान पाएंगे। इस गीत के अंदर पूरे मंदसौर ज़िले की जो खूबसूरत छवि है उसका वर्णन इस गीत के अंदर किया गया है, पंक्तियों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, वीडियो डायरेक्शन के माध्यम से। और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमारी छोटी से छोटी भी मदद की है, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी, ये प्रेरणा हमको मिली आदरणीय हमारे कलेक्टर महोदय सर, और हमारे जिला पंचायत CO आदरणीय ऋषभ जी गुप्ता सर, और हमारे जो नोडल अधिकारी JK जैन सर, मतलब पूरा मंदसौर जिला प्रशासन जो है उनके सानिध्य में ही, उनके मार्गदर्शन में ही ये पूरा गीत बना है। और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सॉन्ग रिलीज किया जब आपको लग रहा था कि इतना फेमस हो जाएगा? जी बिल्कुल, एक्चुअली इस सॉन्ग को हम कहें तो एक तरह से इस सॉन्ग को हम हमारे लिए, हमारा मतलब जो हमारी टीम है, इसको ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गाना जो है इसका काफ़ी बेकरारी से लोगों को इंतज़ार था। ये गाना लॉन्च होने में, मतलब बीच में लॉकडाउन भी लग गया था, तो कहीं ना कहीं गाना रुक गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान सर ने इस गाने को लॉन्च किया है, इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या खुशी की बात होगी। और हमें उम्मीद थी इस गीत से, मतलब हमारी पूरी कोशिश थी पूरी टीम की कि ये गीत कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गीत को पसंद करें, तो हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी। लगभग कितने दिन लगे इस गीत को? गीत को बनाने में काफ़ी एक लंबा समय हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जब मेरे पास ये लिरिक्स आई थी, तो लिरिक्स को आप जानते हैं कि फिर कंपोज करना पड़ता है, संगीत में संगीत का समन्वय करना पड़ता है, फिर इसको हमने स्टूडियो रिकॉर्ड किया, म्यूज़िक दिया, तो काफ़ी मतलब अगर मैं कहूँ तो 5 से 6 महीने का प्रोजेक्ट हमारा रहा, वीडियो डायरेक्शन से लेकर कंपोजिशन से लेकर हर चीज़ में, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी हम ले रहे थे, तो इस हिसाब से इस टाइमिंग के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया। इस गीत को लेकर आप क्या अपील करोगे लोगों से? जी, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा इस गीत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं, ये अवेलेबल है, आशीष मराठा जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल है, और हमारे जिला प्रशासन की जितनी भी साइट्स है वहाँ पर भी ये अवेलेबल है। बस मैं इतनी ही अपील करना चाहूँगा इस गीत की वजह से कि मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत सा गीत बनाने का हमको मौका मिला, और इस गीत के माध्यम से हम बता सकते हैं, हम जितने भी मंदसौरवासी हैं या मंदसौर ज़िले के जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी कनेक्टेड हैं, तो हम सब बता सकते हैं इस गीत के माध्यम से लोगों को कि आप आइए, हमारा मंदसौर में ठाकुर अभिनंदन है, आप कभी पधारिए हमारे मंदसौर में, क्योंकि हमारा मंदसौर बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर पर्यटन को लेकर पुरातात्विक चीज़ें हैं और घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्थान है, जैसा कि आपने हिंगलाजगढ़, गांधी सागर और भी बहुत सारा वर्णन उस गीत के अंदर किया गया, आप देखेंगे तो आपको लगेगा। तो एक बार जो भी व्यक्ति विशेष इस गीत को देखेगा तो वो एक बार ज़रूर सोचेगा कि यार हमको एक बार मंदसौर विजिट करना चाहिए, बड़ा ही खूबसूरत मंदसौर है। तो इस गीत के माध्यम से हम बता सकते हैं जितने भी पर्यटन हैं और जितने भी लोग आते हैं उनके लिए बोल सकते हैं हम कि आप कभी हमारे मंदसौर पधारिए, हमारा मंदसौर बड़ा खूबसूरत है। और अंत में मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से इस गीत का वर्णन थोड़ा सा करना चाहूँगा। अभिनंदन है, वंदन है, खुले हृदय से अभिनंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, खुले हृदय से अभिनंदन है। मारा मंदसौर में ठाकुर अभिनंदन है। तो जी, आप ज़रूर पधारिए मंदसौर, आपका मंदसौर में बिल्कुल अभिनंदन है, भगवान श्री पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, मारा मंदसौर में ठाकुर अभिनंदन है। कैनन न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।